बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जे एन न्यूज और मैं हूँ आपकी मेजबान सुबल ज़िया। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हैं और शामिल करते हैं अब तक की अहम तरीन खबर। मरकजी प्रेस क्लब हासिलपुर का महाना इजलास, प्रेस क्लब में मुनक़िद हुआ इजलास। ज़ेर सदारत सदर मरकजी प्रेस क्लब यूसुफ टीम एडवोकेट मुनक़िद हुआ। इजलास के दौरान मरकजी प्रेस क्लब में नए शामिल होने वाले सहाफ़ियों को वेलकम किया गया। सीनियर सहाफ़ी ने मौजूदा दौर में सहाफत और सहाफे के मसाइल पर बातचीत की। मरकजी प्रेस क्लब सहाफ़ी के फलाह बहबूद के लिए हम वक्त कोशा हैं। चेयरमैन सदर जनरल सेक्रेटरी तफसीलात के मुताबिक मरकजी प्रेस क्लब हासिलपुर का महाना इजलास ज़ेर सदारत सदर मरकजी प्रेस क्लब यूसुफ थीम एडवोकेट मुनक़िद हुआ। इजलास का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सआदत राना सईद ने हासिल की। इजलास में मरकजी प्रेस क्लब में शामिल होने वाले नए सहाफ़ियों को डॉक्टर गजनपुर और बिलाल भट्टी समेत मेहमान एजाज़ कासिम खान काजी खाना को वेलकम किया गया। सीनियर सहाफ़ियों ने मौजूदा दौर में सहाफत और सहाफे के मसाइल पर बातचीत की। चेयरमैन राना शफीक, चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद उमर जोया, सदर यूसुफ थीम, जनरल सेक्रेटरी मलिक इकबाल आकाश व दिगर मुकर्ररीन ने कहा मरकजी प्रेस क्लब सहाफ़ियों के फलाह बहबूद के लिए खमावत कोशा है। मुकर्ररीन ने कहा कि सहाफ़ियों को सहाफत के बका के लिए बाहमी तावर और यकजहती का मुजाहरा करना होगा। इजलास में पेपर वर्क पर ही जोर दिया गया।